तो ये फ़ोन मैंने ऑर्डर किया था, सैमसंग का है, फ्लिपकार्ट की तरफ से 5 दिन बाद आया है। तो अभी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और आपको तो पता ही है मेरा फ़ोन गायब हो गया था, तो ये नया फ़ोन ऑर्डर किया है, ये मैंने होली की सेल में ऑर्डर किया है, तो ये मुझे 10,000 का पड़ा है। वैसे ये फ़ोन 16,000 का दिखा है बॉक्स पे, पर ये अगर आप इस समय लेंगे तो ये 13,000 का पड़ेगा, पर मुझे ये 10,000 का पड़ा है। और ये सैमसंग का फ़ोन है और इसका स्टोरेज भी सही है, 4 128 इसका स्टोरेज है और काफ़ी अच्छा बैटरी है, 6000 mAh की बैटरी है इसकी। तो चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं और करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। मेरे इस चैनल की पहली अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो आप देखिए इस वीडियो को और आनंद लीजिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये फ़ोन मैंने अपनी सिस्टर के लिए मंगाया है, और चलो देखते हैं, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये आज ही आया है, अभी वही 4 बजे। तो खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो खुल जाए एक बार, बस बस खुल ही गया। ये गैलेक्सी F13, और इसका जो है प्राइस आप देख लीजिए, ये देखिए लिखा है 16,999 रुपये, और ये मुझे पड़ा है मात्र 10,000 रुपये का। इस कॉस्ट में कोई भी आपको ऐसा फ़ोन मिलेगा नहीं मेरे हिसाब से, और 10,000 में ये फ़ोन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो देखिए ये 16,999 का पड़ा है, और इसमें मोबाइल है और एक अडाप्टर है, और उस अडाप्टर के साथ केबल है, क्योंकि अब सैमसंग जो है अडाप्टर और चार्जर नहीं दे रहा है, पर इस फ़ोन में है, और ये मेड इन इंडिया है सबसे बड़ी बात। तो चलिए दिखाता हूँ मैं, ये आप देख ही रहे हैं जिस हिसाब से, जैसा कि आप देख रहे हैं 16.72 सेंटीमीटर की HD डिस्प्ले और ट्रिपल कैमरा है, 6000 की बैटरी है, बैटरी बहुत अच्छा चलेगा, बैटरी इसका अच्छा है। तो चलिए अब बॉक्स को भी खोलते हैं और निकालते हैं अपना फ़ोन, साइड से खोलते हैं बॉक्स को, टेप लगा हुआ है तो कैंची की मदद से खोलते हैं, ये खुलेगा अभी। चलो निकल दो अब, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, ऊपर से बॉक्स काफ़ी बड़ा है। और फ़ोन का कलर कमेंट में बताइएगा फ़ोन का कलर कैसा है, साथ में केबल मिला हुआ है और ये एक अडाप्टर जो कि सैमसंग के अब महंगे फ़ोनों में नहीं मिलता है। ये भी फ़ोन महंगा है, पर इस समय होली की ऑफ़र में सस्ता था तो इसलिए मैंने मंगा लिया। तो इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में और आपको दिखाते हैं फ़ोन। तो ये अडाप्टर हो गया, ये केबल हो गया, इन सब को रखते हैं एक साइड में और आपको फ़ोन खोल के दिखाता हूँ। फ़ोन के ऊपर ये पन्नी जैसा लगा हुआ है, इसको निकालता हूँ फिर खोलता हूँ फ़ोन। तो चलिए खोलता हूँ, ये देखिए इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, जब ये चट चट से बोलता है निकलता है। तो बस एक मिनट रुक जाइए और आपको मैं दिखाता हूँ, फ़ोन हाथ में पकड़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, भारी भी नहीं है, वज़न भी इसका कोई ज़्यादा नहीं है, और फुल HD डिस्प्ले है, बढ़िया बड़ी सी। तो ये फ़ोन है, ये साइड में फिंगरप्रिंट दिया हुआ है और ये वॉल्यूम बटन दी हुई है, और ये फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, और साइड में 3 कैमरे हुए हैं, और ये एक सेंसर दिया हुआ है, और ये सिम स्लॉट था, जैक है, और सी टाइप चार्जर है, स्पीकर दिया हुआ है, और फुल HD डिस्प्ले, और इसका मैट फिनिश अच्छा लग रहा है देखने में। फ़ोन को खोल दिया, दिखाता हूँ अभी आपको, ये एक कैमरा, कैमरे में अल्ट्रा वाइड भी दिया हुआ है, और ये गैलरी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, ये तुरंत तुरंत खुल जाता है, तो क्योंकि स्टोरेज अच्छा होता है तो तुरंत खुल जाता है, स्टोरेज इसका अच्छा दिया हुआ है तो इसलिए जस्ट 1 सेकंड में खुल जा रहा है, गूगल और यूट्यूब वगैरह भी खुलता है तुरंत, तुरंत खुल गया, जीमेल खोल के देखता हूँ, जीमेल भी खुल गया तुरंत, तो सही है। कुल मिला के स्पीड भी इसकी अच्छी है और इसका स्टोरेज भी अच्छा है, ये 4 128 है, 4 128 10,000 रुपये में किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा, और ख़ासकर सैमसंग जैसे फ़ोनों में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और स्पीड काफ़ी अच्छी लग रही है अभी तो देख के। चलो ये काफ़ी कुछ सारी सेटिंग दी हुई हैं, बहुत सारी, तो वो ये देखिए सारी सेटिंग दी हुई हैं, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छा है इसका, फुल करके देखते हैं, ब्राइटनेस इसका अच्छा है। चलो आगे दिखाता हूँ कुछ सारी और सारी सेटिंग्स हैं। ओ अब इस फ़ोन के मेन पॉइंट पे आते हैं, कैमरा टेस्ट करते हैं और लेता हूँ एक पिक्चर।
क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। पिक्चर वैसे अच्छी आती है, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था रिव्यू इसका। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा फिनिश दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आई है फ़ोटो में, वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी होती है, अल्ट्रा वाइड भी दिया हुआ है। और ये देखिए 0.5 पे हो गया, 0.1 पे, और 180 में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट से और बैक कैमरे दोनों से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। कुछ मैंने डेलाइट फ़ोटो के सैंपल लिए, आप देखिए।